यदि हम नहीं रहे तो जैसे जम्मू कश्मीर से हिंदू भाग गया, जैसे इराक से हिंदू को भगा दिया, जैसे अफगानिस्तान से हिंदू को भगा दिया, पाकिस्तान से भगा दिया, नेपाल से भगा दिया, भूटान से भगा दिया, तिब्बत से भगा दिया, उधर म्यांमार से भगा दिया, श्रीलंका से भगा दिया, बाली, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, ये सब हमारे थे, लेकिन सब के सब चले गए। ध्यान रखना, हमारे गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान चला गया। हम हर साल प्रहलाद की पूजा करते हैं, प्रहलाद जन्मा कहाँ, ये हिंदू को पता ही नहीं है। प्रहलाद जन्मा था मुल्तान में, उसका पुराना नाम था मूल स्थान, हमारे हाथ से गया। लाहौर किसने बसाया, भगवान राम के पुत्र लव ने बसाया, लाहौर गया हमारे हाथ से। भरत का पुत्र था तक्ष, उसने बसाया तक्षशिला को, आज तक्षशिला हमारे हाथ में गया। भगवान राम, बाबा रामदेव जी की ससुराल अमरकोट बदल करके उसको उमरकोट बना दिया। हमारी हिंगलाज माता का मंदिर चला गया, सिंधु नदी चली गई, तक्षशिला का विश्वविद्यालय चला गया, कटास राज चला गया जहां यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद हुए थे, ढाकेश्वरी देवी चली गई, हमारे पशुपतिनाथ का मंदिर चला गया। क्यों? सब लोग मैं मेरा परिवार, बस समाज जाए बाढ़ में, दुनिया जाए चूल्हे में, हमको कोई लेना देना नहीं, मेरे घर पे आंच नहीं आनी चाहिए। यदि यही करते रहे तो आने वाले समय में और हमारा समाज छोटा होगा और हमारे देश के टुकड़े होंगे। हमको सबको यदि समाज को बचाना है, धर्म को बचाना है, आने वाली अपनी औलादों की रक्षा करनी है, हम तो चले जाएंगे लेकिन चौथी पांचवी पीढ़ी सब रोएगी देखना हमको, कि तुम लोगों ने सब पता था, तुम केवल मैं और मेरा परिवार पैसे के चक्कर में लगे रहे, देश समाज धर्म के काम में नहीं लगे। तो ये सब काम इंपॉर्टेंट है लेकिन इमरजेंसी काम एक ही है, वो है हिंदू समाज को संगठित